खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज की है हमारी तैयारी। एबीपी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर से शुरू होने जा रहा है काउंटिंग डे पर हमारा खास शो। हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट और काउंटिंग एक्सपर्ट का सबसे बड़ा पैनल है। सबसे पहले आ रहे हैं नेशनल एक्सपर्ट आकार पटेल। 3 दशकों से पत्रकारिता कर रहे आकार पटेल पिछले 23 सालों से गुजराती और अंग्रेजी अखबारों के एडिटर रहे। आकार पटेल बताएंगे चुनाव नतीजों में मोदी फैक्टर कितना कारगर रहा। गुड मॉर्निंग आकार, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अब बताइए कौन आ रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए अनुमान सबके पास है लेकिन आंकड़े सिर्फ पोल्स के पास है। मेरा ये मानना है कि जो पोल्स कह रहा है कि भाजपा या तो बहुमत के पास होगा या तो बहुमत के पार होगा, वो आज वही शायद होना है। आप अपनी सीट ले सकते हैं। आकार पटेल जाने माने पत्रकार यहाँ पर अपनी कुर्सी ले चुके हैं। पंकज झा हमें बताएंगे उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर इस बार क्या होने जा रहा है। मायावती अखिलेश गठबंधन क्या बीजेपी का मुकाबला कर पा रही है? उत्तर प्रदेश की लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प बन गई है पंकज। बिल्कुल, देश में राज कौन करेगा, अगली किसकी सरकार होगी, ये तय होगा यूपी से ही, चूंकि सपा बसपा के गठबंधन ने बीजेपी के लिए राहें मुश्किल कर दी हैं। चलिए नतीजों का इंतजार, आइए। न्यूज चैनलों के लिए जाना पहचाना चेहरा दिबांग, नेशनल एक्सपर्ट के तौर पर दिबांग हमें बताएंगे आज के नतीजे में जीत और हार का फैक्टर क्या रहा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दिबांग, और ये देखिए दिबांग आपका स्वागत। दो दो लड़कियां कर रही हैं आज, क्योंकि बहुत खास आप हमें, बिल्कुल दो एंकर भी आप हमें कह सकते हैं, पर हम लड़की पहले हैं, क्यों रूबिका? आज ना लड़की ना लड़का, आज आंकड़े। आज जो आपको नजर रखनी है जी, वो उत्तर प्रदेश पर रखनी है जी। और यही वजह है कि अगर आप एबीपी न्यूज की जब स्क्रीन देखेंगे, दर्शक जब स्क्रीन देखेंगे तो पाएंगे कि एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर जो आंकड़ा हमेशा रहेगा वो है उत्तर प्रदेश का। तो 3 चीजें आपको देखनी है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दिबांग अपनी सीट लीजिए, अपनी चेयर लीजिए। एबीपी न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर डिजिटल संगीता तिवारी बताएंगी बिहार की 40 सीटों पर क्या होने वाला है। एक एक सीट का रुझान और रुझान नतीजे में जब बदल रहे होंगे तो हमें हर मिनट की जानकारी देंगी। ऐसा लोकसभा चुनाव जब बिहार की राजनीति से लालू गायब। बिल्कुल, ये पहली बार है जबकि लालू यादव पूरे चुनाव के दौरान नहीं रहे और इसीलिए ये बड़ी परीक्षा है। देखना होगा कि उनकी पार्टी कैसा करती है, नीतीश कुमार की वापसी का कैसा असर होता है एनडीए के ऊपर। और पूरे चुनाव में जहां पर उत्तर प्रदेश और बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा शोर रहा, मुझे बिहार ज्यादा नजर नहीं आया। तो मेरी नजर खासतौर पर उधर थी कि देखें वहां पर किस तरह से तेजस्वी यादव अपने नंबर। बिल्कुल, नजर रखनी होगी आपको, बैठिए। 35 सालों से पत्रकारिता कर रहे एमके वेणु हमारे बीच है। एमके वेणु से जानेंगे कांग्रेस के भविष्य के लिए चुनाव नतीजे कितने अहम रहने वाले हैं, जीत और हार के दरमियान कांग्रेस खुद को कहां देख रही है। सुप्रभात एमके वेणु, कांग्रेस का भविष्य कैसे देख रहे हैं? वैसे मैं एग्जिट पोल से इतना कंफ्यूज हो चुका हूं कि मैं असली जो नतीजे आएंगे उसको देख के मैं बता पाऊंगा। वैसे एग्जिट पोल के मुताबिक तो भविष्य कांग्रेस का ठीक नहीं लग रहा, मगर मुझे लगता है कि कुछ असली जब आंकड़े आएंगे तो शायद कांग्रेस को एग्जिट पोल ने जो बताया उससे थोड़ा और खुश हो सकते हैं, राहत और मिल सकती है। अपनी सीट लीजिए। तो यहाँ एमके वेणु जो है हमारे साथ मौजूद हैं। एमके, ये रही आपकी सीट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी 40 सीटों के नतीजे बताने आ रहे हैं अनुज गुप्ता। हर सीट पर हो रही हलचल के साथ अनुज से जानेंगे विधानसभा में मिली जीत दोहरा पाने में कांग्रेस सक्षम है या नहीं। गुड मॉर्निंग अनुज जी, क्या कह रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आपका आकलन, क्योंकि बहुत टफ फाइट है, क्या कांग्रेस अपना इतिहास दोहरा पाएगी जो विधानसभा में दोहराया है? हाँ, क्योंकि आपने इतिहास कौन सा, क्योंकि 1991 के बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिलाकर कांग्रेस कभी भी लोकसभा में बढ़त नहीं बना पाई है, विधानसभा में तो कई बार बना चुकी है। और अभी आइए आपको काउंटिंग सेंटर में ले चलते हैं अनुज जी, और सबसे बड़ी जो बात हमारी है वो दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा। आइए, 35 सालों से पत्रकारिता का अनुभव है,
बीजेपी की राजनीति को करीब से देखने वाले प्रदीप सिंह आज हमें बताएंगे किन राज्यों के नतीजे बीजेपी के साथ साथ देश को चौंकाने जा रहे हैं। प्रदीप जी, बीजेपी कितने ला रही है? कितने तो बताना मुश्किल है, लेकिन इतना निश्चित है कि 2014 से बड़ी मोदी वेव है और लगता है कि बीजेपी 300 क्रॉस कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। 300 क्रॉस करने का दावा यहाँ पर प्रदीप जी कर रहे हैं, अपनी चाय लीजिए प्रदीप जी, आगे इस पर बात होगी। आप राजस्थान की सभी 25 सीटों को कवर करने के बाद लौटे एबीपी न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर विजय विद्रोही बताएंगे, राजस्थान इस बार बीजेपी में भरोसा जताएगा या कांग्रेस विधानसभा वाला प्रदर्शन दोहराएगी? तो राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, क्रिकेट का मौसम आ रहा है तो हम क्रिकेट की भाषा में बात करें तो मोदी सेंचुरी बनाने जा रहे हैं। वो सेंचुरी किस रूप में बनती है ये देखना पड़ेगा। और कुल मिलाकर ये है कि राजस्थान में 19-20 रन उनके खाते में जुड़ जाएंगे। वैसे जो मोदी हैं वो रनर की मदद से सेंचुरी बनाएंगे। ये विश्लेषण जारी रहेगा, बहुत स्वागत आपका, बैठिए। नेशनल एक्सपर्ट अभय दुबे बताएंगे, अगर बीजेपी बहुमत से दूर रही तो क्या तीसरा मोर्चा सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगा और देश की राजनीति में गठबंधन का दौर क्या फिर शुरू हो सकता है? गुड मॉर्निंग अभय, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। अच्छा, दोनों में से किस पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलेगी और नहीं तो आपको लगता है इस बार फिर से गठबंधन? मुझे लगता है गठबंधन का कोई मौका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। अभी हम लोग देखेंगे कि सरकार किस किस्म की बनती है। अभय जी, सरकार किस किस्म की बनती है? एबीपी न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव एडिटर शीला रावल गुजरात एक्सपर्ट के तौर पर राज्य की सभी 26 सीटों के रिजल्ट बताने वाली हैं। शीला से जानेंगे, गुजरात बीजेपी का गढ़ बना रहेगा या इस बार कुछ बदलने जा रहा है? गुड मॉर्निंग शीला, बताइए, गुजरात बीजेपी का गढ़ बना रहेगा? बड़ा सवाल यही है। अमित शाह पहली बार मैदान में। जी, अमित शाह का जीतना तो तय है, लेकिन विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था भाजपा का। मेरा मानना है कि जितना सर्वे में दिखाया उससे कम ज्यादा हो सकता है। चलिए, आप अपनी कुर्सी लीजिए। बीजेपी समर्थक शहजाद पूनावाला से जानेंगे, कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के मुकाबले कहां रही और क्या राहुल मोदी को टक्कर दे पाए? हाय शहजाद, कैसे हैं? नमस्कार। तुम अस्सलाम। क्या लग रहा है, इस बार राहुल गांधी पर्चा लहराने वाले हैं या फिर आप कह रहे हैं कि डायनेस्टी में आखिरी कील? मुझे लगता है कि इस बार वर्डिक्ट बहुत क्लियर होगा और देश के लोग मोदी को सपोर्ट करेंगे। देश के लोग मोदी को सपोर्ट करेंगे। शहजाद, अपनी जगह लीजिए। एबीपी न्यूज नेटवर्क से जुड़े विजेंद्र सिंह, आज हमें पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों के सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। विजेंद्र बताएंगे किस पार्टी के प्रभाव वाली सीट पर किस तरह समीकरण बदल रहा है। गुड मॉर्निंग विजेंद्र, आप जानते ही हैं कि किस तरीके से हिंसा को सियासी हथियार बनाया गया। क्या लग रहा है वेस्ट बंगाल में, ममता दीदी का चमत्कार या बीजेपी अपने पैर पसार लेगी? पैर तो पसार लेगी, पर ममता बनर्जी का भी चमत्कार काबू रहेगा इस बार। बीजेपी काफी अच्छा करेगी पिछले लोकसभा के मुकाबले। आइए आइए विजेंद्र, बैठिए आप। 20 सालों का अनुभव समेटे नेशनल एक्सपर्ट राखी बख्शी आ रही हैं। राखी बताएंगी, बीजेपी के लिए आज के नतीजे संगठन में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर कितना असर डालेंगे। गुड मॉर्निंग राखी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत अच्छा है लोकतंत्र के लिए और हमें कहा ही जाता है कि उत्सव की तरह है, तो हमें जो भी नतीजे आएंगे उसको उत्सव की तरह मनाना है। वैसे लड्डू कौन खाएगा आज, क्या लगता है? ये तो हम देखेंगे जैसे। आइए अपनी सीट लीजिए राखी। दक्षिण भारत एक्सपर्ट अरविंद यादव से जानेंगे 128 सीटों पर क्या होने वाला है, हर सीट के नतीजे देश की राजनीति पर कितना असर डालने वाले हैं, तमिलनाडु से लेकर केरल की सीटों का हिसाब समझेंगे। गुड मॉर्निंग अरविंद जी, बहुत ही खूबसूरत सुबह है और दक्षिण भारत राहुल गांधी वायनाड में क्या चमत्कार दिखाएंगे और जिस सियासत के तहत उन्होंने वायनाड सीट को जुड़ा जो से वो खड़े हुए कर्नाटक तमिलनाडु और केरल, क्या चमत्कारी होगा ये कांग्रेस के लिए? देखिए, जहां तक राहुल गांधी की बात है, मुझे लगता है उनका वायनाड से चुनाव लड़ना सिर्फ और सिर्फ केरल तक प्रभाव दिखा रहा है। केरल में कांग्रेस अच्छा कर रही है, लेकिन अगर बाकी राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो यहां पर क्षेत्रीय पार्टियां काफी आवी हैं। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा कर रही है, वहां पर विधानसभा चुनाव भी हुए हैं जो संकेत अभी तक मिले हैं और मेरा अपना आंकलन है कि दलित चिंतक बद्री नारायण बताएंगे आज के नतीजों में दलित फैक्टर कितना अहम रहा, यूपी के नतीजों में क्या दलित वोट बैंक की वजह से कोई असर पड़ा और दलित फैक्टर किसके पक्ष में गया?
पादरी जी, जय भीम किसकी जय करवाएगा? जय भीम ये देखना है कि दलित पिछड़ों का वोट इस बार क्या खेल दिखाता है और दलित मध्य वर्ग जो उभरा है वो क्या करता है, और ये भी देखना है कि जो सरकारी योजनाओं के फायदे 5 साल में जो बीजेपी ने क्रिएट किया है वो कितने दलित वोटों को उसके तरफ जोड़ पाता है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनको इस बार देखना है। सोशल कॉम्बिनेशन का तिलिस्म आज टूटेगा या फिर बरकरार रहेगा? बद्री जी अपनी जगह लीजिए। एबीपी न्यूज के एडिटर डॉक्यूमेंट्रीज संजय नंदन बताएंगे असम समेत पूर्वोत्तर की 25 सीटों पर आज क्या होने वाला है। संजय नंदन, क्या इस बार पूर्वोत्तर में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी सहयोगियों के बल पर? देखिए, उत्तर पूर्व में भारत में सबसे पहले सूरज उगता है। अगर कुछ नतीजे आने वाले हैं तो सबसे पहले उधर से ही आएंगे और मुझे लगता है कि इस बार मजबूती के साथ फिर से दोबारा बीजेपी वहां काम करेगी। आपका बहुत स्वागत है, बैठिए। मुस्लिम एक्सपर्ट अथर हुसैन बताएंगे देश के मुस्लिम वोटरों का मूड बीजेपी कांग्रेस के साथ गया या फिर क्षेत्रीय क्षत्रपों को मुसलमानों ने सियासी रहनुमा बनाया। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। वालेकुम अस्सलाम। 14% किसको मैजिकल फिगर तक पहुंचाने वाला है? देखिए, देखना है कि सबका साथ सबका विकास में अगर विकास हुआ है तो, अगर सबका हुआ है तो, अगर मुसलमानों को भी हुआ है तो कितना उसको रेसिप्रोकेट करते हैं वोट देने में। आइए अपनी सीट लीजिए। काउंटिंग सेंटर में आप आ रहे हैं अभिजीत ब्रह्मनाथकर। महाराष्ट्र की 48 सीटों के सबसे तेज नतीजे बताएंगे अभिजीत। वोटर कांग्रेसी एनसीपी गठबंधन की तरफ गए या एनडीए को दोबारा भरपूर सीटें मिलने जा रही हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक हूँ। आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, बताइए बीजेपी शिवसेना चमत्कार दिखाने जा रही है या कांग्रेस और एनसीपी? इस बार तो बीजेपी शिवसेना की सीट घटेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घटेगी कि जितना उन्हें नुकसान हो। पिछले मुकाबले 5 से 6 सीटों का नुकसान मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप अपनी कुर्सी लीजिए प्लीज। ओडिशा एक्सपर्ट संदीप साहू राज्य की 21 लोकसभा सीटों के साथ साथ विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। साथ ही संदीप से जानेंगे ओडिशा विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे लोकसभा नतीजों के गणित पर असर डालेंगे। साहू साहब, बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बीजेपी इस बार नवीन बाबू के किले में सेंध लगा पाएगी? फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, अब परिणाम के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि नवीन बाबू एक बार फिर सरकार बनाएंगे। आइए 30 बैठ। यूपी में 3 दशकों से पत्रकारिता कर रहे योगेश मिश्रा बताएंगे अवध की 23 सीटों के नतीजे किसके पक्ष में जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग योगेश जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। देखिए, प्रधानमंत्री का पद जो है वो उत्तर प्रदेश से ही डिसाइड होता है और गठबंधन तो बिल्कुल आश्वस्त है कि किला तो हम ही फतेह करेंगे, तो बताइए क्या कहता है आपका आंकलन? गठबंधन किला तो फतेह कर सकता है पर प्रधानमंत्री के रास्ते में अवरोध खड़ा नहीं कर सकता, ये मुझे लगता है। तो अवध से आप अच्छी उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी के लिए? गठबंधन के लिए अवध से अच्छी उम्मीद है बीजेपी की तुलना में। बैठिए। 28 सालों से पश्चिमी यूपी की राजनीति को करीब से देखने वाले प्रेमदेव शर्मा आज हमें पश्चिमी यूपी की सभी 27 सीटों के सबसे तेज नतीजे बताएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बहुत कुछ स्टेक पर लगा है। जी हाँ, बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि पिछली बार लगभग 7% सीटें बीजेपी ने ही जीती थी, लेकिन देखना यह होगा कि महागठबंधन जो है उसके जो वोटर हैं, नेताओं ने तो हाथ मिला लिए हैं जी, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल कितने मिले हैं ये अब इस पर निर्भर करेगा। इस पर निर्भर करेगा। सर स्वागत है आपका, प्लीज बैठिए। पूर्वांचल की सभी सीटों के सबसे तेज नतीजे बताने के लिए आ रहे हैं नागेंद्र प्रताप। नागेंद्र को एक एक सीट की जानकारी है और जैसे ही किसी सीट का रुझान आता है हम आप तक उसे पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग नागेंद्र जी, मैं आपसे सवाल सिर्फ यही पूछूंगी कि प्रियंका गांधी फैक्टर कितना काम करेगा या गठबंधन का गढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ पूर्वांचल में उन्हीं को जिताएगा? सपा का तो अच्छा रहेगा, प्रियंका ने शायद 2024 की जमीन तैयार की है और इसके लिए वो शायद पहले से तैयार थी, इसलिए बहुत उम्मीद नहीं की जानी चाहिए उनसे। तो आपको लग रहा है वोट परसेंटेज थोड़ा बहुत कांग्रेस का बढ़ेगा? बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। आप बैठिए सर। बुंदेलखंड एक्सपर्ट ब्रजेश शुक्ला बताएंगे इस रीजन की सीटों के नतीजे किस तरफ जा रहे हैं। शुक्ला जी बहुत स्वागत आपका। सर बुंदेलखंड सिर्फ 4 सीटें आती हैं लोकसभा की, छोटा सा रीजन लेकिन सियासी तौर पर मायने बढ़े? हाँ, ये क्योंकि ये क्षेत्र जो है बसपा का गढ़ रहा है, इसके बाद भाजपा का गढ़ बना, इसलिए इसका बहुत महत्व भी है और यहाँ जो है जो बहती है वो प्रदेश की एक
नब्ज होती है जो यहाँ की जो हवा बहती है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप कि जो बुंदेलखंड के अंदर जिस तरीके की हवा बहती है उससे कहीं ना कहीं प्रदेश का विकास समझ आता है। कार्टूनिस्ट इरफान जो चुनाव नतीजों पर कार्टून के जरिए अपनी खास टिप्पणी करेंगे। इरफान साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, आ जाइए, आपका पूरा साजो सामान वहां पर हमने सजा कर रखा है। तैयारी क्या जी? मेरी तैयारी क्या, जैसे देश की तैयारी उसी तरह से चलना है, क्योंकि इस बार पहले से ही डिसाइडेड है, पहले ऐसे चुनाव हुए हैं जिसके अंदर कोई उत्सुकता नहीं है लोगों के अंदर, लोगों को पता है कि क्या निर्णय आने वाला है। इसीलिए विपक्ष ने भी ये बात तय कर लिया और मान भी लिया है कि इस बार मोदी जी ही प्रधानमंत्री दोबारा से बनने जा रहे हैं। आप भी उसी हिसाब से तैयारी के साथ उसी तरह से कार्टून जाएंगे। न्यूज रूम में स्वागत कीजिए दो ऐसे खास मेहमानों का जिससे मिलकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देश की राजनीति के दो ऐसे किरदारों का ये रूप एबीपी न्यूज में हर बार की तरह इस बार भी पहुंच चुका है। और वो देखिए सामने से आ रहे हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चेहरे, एक तरफ मोदी जी दूसरी तरफ राहुल गांधी। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, आज इनका दिन है। और मैं एक्सपर्ट्स चूंकि आज पूरे न्यूज रूम में है आपसे गुजारिश करूंगी कि तालियों से स्वागत कीजिए इन दो खास मेहमानों का जो आपके चेहरे पर भी दो इंच मुस्कान लाने वाले हैं। लेकिन इन दोनों में से किसकी मुस्कान बरकरार रहती है और किसकी मुस्कान फीकी हो जाती है ये आंकड़े बताएंगे। तो आप दोनों वहीं पर मौजूद रहिएगा, बीच बीच में आपकी एंट्री की जरूरत पड़ेगी।